नमस्कार, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स आप पे। दो तीन गुड न्यूज शेयर करता हूं, फिर आपसे बातें करता हूं कि जो रिजल्ट पब्लिश हुई है BA पार्ट वन एंड पार्ट टू की, किस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, TMU भागलपुर, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे क्या होंगे, आंसर्स होंगे। ओके, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की परेशानी क्या क्या है। आज सारे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ, बट श्योरिटी जरूर देता हूँ कि उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जितने मन में क्वेश्चंस होंगे उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूंगा। बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए तो आप लोग नीचे कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर मुझे पर्सनली मेल करके पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, ऑलराइट। दो तीन गुड न्यूज क्या शेयर करना है आप लोगों से मैं बता दूं। अब हम लोग अपने परिवार में कितने सदस्य हो गए हैं, तो 15,000 सदस्य हो गए हैं। 16,000 करना आप लोगों का काम है। 15K वी आर राइट नाउ 15K प्लस। ओके, तो अब यार आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी बनती है। मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, मैं आप लोगों को इस चैनल पे क्या करूं, पढ़ाऊंगा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आई आपको अपडेट करता रहूं। आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, आप लोगों को जोड़िए, इससे ज्यादा से ज्यादा जोड़ते जाइए। ठीक है, जो मेरे हाथ में वो मैं काम करूंगा, जो आपके हाथ में वो आप करो। ऑल राइट, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैं सुमित अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी एजुकेटर हूं, तो आप लोग मुझे चाहे तो वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ RRB मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, NTPC प्लस ग्रुप डी के बहुत सारे कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। ऑलराइट, और बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं। अर्थमेटिक के बहुत सारे क्या चल रहे हैं, अर्थमेटिक के बहुत सारे क्रैश कोर्स करवाए जा रहे हैं बहुत सारे चैप्टर्स के। तो आप लोग मुझे वहां भी फॉलो करके जुड़ सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आए तो। ऑलराइट, अब आता हूँ मैं टॉपिक पे। टॉपिक ये था कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट हुई बट अच्छी होगी वीडियो। आप लोगों की सारे डाउट, गलतियां आपकी है कि आपने मुझे बताया नहीं, इंस्टीड ऑफ उसके बावजूद मैंने वीडियो लाई है। कैसे लाई है, तो जो आप लोगों को दिक्कतें आ रही थी उस पर मैंने वीडियो लाई है। दिक्कतें क्या क्या आ रही थी, अब मैं वो सारी एक एक करके क्लियर करता हूँ चीजों को। मैंने बोला था इससे पहले वाली वीडियो में आपकी रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी 20 सितंबर से पहले पहले तक, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे किस चीज के लिए कि बीकॉम की रिजल्ट आ चुकी है, बीएससी वालों की आ चुकी है, बट बीए वालों के रिजल्ट्स नहीं आई थी, आर्ट्स वालों के नहीं आई थी। मैंने कहा था कि 20 सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगी और रिजल्ट आ भी गई। रिजल्ट कब पब्लिश हो गई आपकी, 16 तारीख को ही पब्लिश हो गई थी शायद, एम आई राइट? ओके, 16 को आपकी रिजल्ट पब्लिश हो गई थी जहां तक मुझे याद है, गलत हूं तो आप लोग कमेंट करके बता दो, बट 20 से पहले तो हो गई है। ऑलराइट, उसके बाद कुछ लोगों के रिजल्ट नहीं खुल रहे थे, मंडे को सबके रिजल्ट खुल गए हैं। ओके, अभी भी अगर किसी के रिजल्ट नहीं खुल रहे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑलराइट, रिजल्ट्स खुल गए, सबने अपने अपने रिजल्ट्स देख लिए, बट क्या क्या कमियां आई हैं उसमें मैं बताता हूं। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। ओके, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, मैं सबके प्रॉब्लम्स पे आऊंगा क्योंकि मैं बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स को देख चुका हूं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके रिजल्ट के साथ आई है। आप लोगों की गलती थी कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स हुई बट आपने मुझे क्या किया, कमेंट करके ये नहीं बताया कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस पे मैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, बट इंस्टीड कि मैंने आपके प्रॉब्लम्स को खुद से मैं ढूंढा और क्या किया, वीडियो बना हुआ और उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा रहा हूं। तो प्लीज ये सब में थोड़ा अवेयर रहिए, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछिए, कोई सोल्यूशन चाहिए। और राइट, सबसे पहले टॉपिक पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक क्या था, सबसे पहला टॉपिक कि बहुत लोगों के क्या थे, क्वेरीज थे कि ज्योग्राफी जिनका जिनका शायद मे भी सब्सिडरी था ज्योग्राफी, उसमें उन लोगों को कर दिया गया है अब्सेंट, या फिर सिंपली कह लूं तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में क्या कर दिया गया है, उन लोगों को ए लिख के रिजल्ट दे दिया गया होगा, रिजल्ट में क्या लिख दिया गया है, प्रमोटेड। ठीक है, ऑलराइट, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कब, अगर आप लोग प्रेजेंट हो, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो प्रेजेंट थे एग्जाम में, इंस्टीट्यूट उसके बावजूद उन लोगों को क्या कर दिया गया है, एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम, मैं सारे इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा, पहले एक एक करके प्रॉब्लम्स लेता हूं। ऑलराइट, ये थी सबसे पहली प्रॉब्लम्स, क्या बहुत लोगों को सब्सिडरी में एब्सेंट कर दिया गया है। मैक्सिमम लोगों के क्वेरीज थे कि ज्योग्राफी सब्सिडरी में बहुत सारे लोगों को एब्सेंट किया गया है। ऑलराइट, ये बिल्कुल, मैं इस बात पे सॉल्यूशन पे आता हूँ, पहले एक एक करके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को ले लेता हूँ। ऑलराइट, ये तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम थी क्या कि सब्सिडरी में क्या कर दिया गया है, एब्सेंट। चलिए यहां तक समझ में आता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे ऑनर्स में भी कुछ बच्चों को क्या कर दिया गया है, एब्सेंट कर दिया गया है डिक्लेयर, ABS मीन्स एब्सेंट। ओके, ऑलराइट, आपको समझना है बस। बहुत सारे बच्चों को ऑनर्स में ही एब्सेंट कर दिया गया है और 0-0 मार्क्स देके क्या कर दिया गया है, पेपर 3 एंड पेपर 4 में क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तीसरी चीजें क्या हुई है,
कुछ बच्चों के तो सब्जेक्ट ही बदल दिए गए हैं, क्या हो गया, सब्जेक्ट चेंज, यानी उनका सब्सिडरी कुछ था, सब्सिडरी था ज्योग्राफी और कर दिया गया है हिस्ट्री और उसका मार्क्स मिल गया है। और देख तो बेसिकली ये तीन चार प्रॉब्लम्स जो है निकल कर आ रही है, और कुछ लोगों के प्रॉब्लम शायद ये भी होंगे कि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं खुल रहा है ना। तो बच्चों जिनका रिजल्ट नहीं खुल रहा है वो अब उम्मीद नहीं है कि खुलेगा, आप लोग को टीआर में ही देखना पड़ेगा अपना रिजल्ट। बट जहां तक मुझे आइडिया है ऑलमोस्ट सबके रिजल्ट खुल चुके हैं, 99% लोगों के तो रिजल्ट ओपन हो चुके हैं और उन लोगों अपना देख चुके हैं रिजल्ट। कभी कभी ध्यान देना है, कभी कभी आपका रिजल्ट नहीं खुलेगा वो सर्वर का इश्यू है, ठीक है, उनके सर्वर का इश्यू है कि कभी कभी क्या होता है रिजल्ट आप लोग चेक रिजल्ट पे व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हो लेकिन कोई भी ऐसा आउटपुट निकल कर नहीं आता है। तो उसके लिए आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, जो लोग अपना रिजल्ट देख लियो स्क्रीनशॉट स्नैप लेके रख लो, हो सके तो प्रिंट आउट भी रख लो। और राइट, तो ये तीन चार बेसिकली प्रॉब्लम्स थे। अब इसके सॉल्यूशन की बात मैं करता हूँ कि अब इसके क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो दो हो सकता है, पूछे क्या क्या। पहला सॉल्यूशन कि आप लोग इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो डेट मीन्स अब आपको पार्ट थ्री में क्या करना होगा, वापस से सब्सिडी देना होगा, यानी पूरा का पूरा ग्रेजुएशन बिगड़ के रह गया आपका, कुछ नहीं हो सका अच्छा आपके साथ। और राइट, अब इसको सुधारना कंपलसरी है और मस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोग किस में चले जाओगे, पार्ट थ्री में चले जाओगे। और एक तो सुधारा कैसे जाए वो बता दूं, और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या आप लोगों को करना होगा और कब तक कर देना है, ये तीन चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसको ध्यान देना है आप लोगों को। ओके चल, अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं, फिर सॉल्यूशन पे तो आना ही है, सॉल्यूशन पे तो बात करना ही है। वीडियो अगर थोड़ा धीरे लग रहा तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा लीजिएगा, बट वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्किप करिएगा आप सॉल्यूशन मिस कर दीजिएगा। और राइट, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट की बातें हैं, और ये सारी बातें आपको याद रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और राइट, अब मैं बता दूं आप लोगों को, बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मैं पर्सनली नेम नहीं लूंगा, ठीक है, कुछ एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के, ठीक है, जितनी यूनिवर्सिटी है उनको आपसे स्टूडेंट से कोई बहस ही नहीं है। क्या नहीं है, स्टूडेंट से उनको कोई मतलब नहीं है, आपके फ्यूचर से आपके करियर से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप क्या लिख के आ रहे हो, पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, एब्सेंट डिक्लेयर कर दिए जा रहे हो, कुछ हो रहा है आपके साथ, आपसे कोई बहस नहीं है। ओके, तो ये सब बहस अब होगा किसको, तो बिल्कुल आपको अपना ख्याल खुद रखना है, यहाँ पे कोई नहीं रखने वाला आपका ख्याल। अगर आप ये सोच रहे हो यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये है वो है, बिहार की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी की हालत ये हो गई है कि आप क्या हो, आपके करियर पे क्या गुजरेगा, इस पे किसी को कोई फिक्र नहीं होने वाला है। अगर आप लोग खुद क्या हो, जागरूक नहीं हो, खुद अवेयर नहीं हो, तो किसी को कोई बहस नहीं है, आप फेल करो पास करो उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। अगर इतना बहस होता तो मुझे नहीं लगता प्रेजेंट बच्चे को क्यों अब्सेंट कर दिया जाता, सिंपल सी बात है, लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट की, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बट कहां इतनी बड़ी बड़ी बातों के बीच इतनी छोटे से बातों को ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे प्रेजेंट है ऑलरेडी, उनके पास उनका कॉपी नंबर तक है, और वो बच्चे अब्सेंट कैसे हो गए, आखिर वो कॉपी आपका गया कहां। तो ये हो रखी है, आप लोग समझ सकते हो, ये हो गई है आजकल की एजुकेशन व्यवस्था, ठीक है, मैनेजमेंट ये हो गया है आप लोगों का क्या बिहार में। तो आप लोगों को बस यही मानना है कि आपकी फ्यूचर है, आपकी करियर है, तो अवेयरनेस आपको दिखानी होगी, कोई और नहीं दिखाने वाला है। ऑलराइट, तो ये सब बातों पे तो जितनी बहस की जाए उतनी कम है। आंदोलन करो, आंदोलन में समय जाएगा, किसको पढ़ा हुआ है, 5 दिन का समय गया आंदोलन में, आपका गया, आप 5 दिन नहीं पढ़े, 5 दिन कोई और पढ़ के आगे निकल गया, किसी को जॉब हो गया, आप बैठे के बैठे रहेंगे। ये सारी चीजें बच्चे को सब कुछ सोचना है। अब 2 दिन खामखा इतनी परेशानी हो रही होगी, जिनको जो अच्छे से प्रेजेंट हो गया उनको अब्सेंट कर दिया, अब जो अब्सेंट है उसको अब्सेंट कर रहा तो समझ में आ रहा, जो प्रेजेंट है जो कॉपी में अच्छे से लिख के उनको अब्सेंट कर दिया जा रहा है। और अब प्रेजेंट भी किया जाएगा तो उतना नंबर मार्क्स तो दिया नहीं जाएगा। मैं सारी चीजें अभी बात करूंगा डिटेल में। आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, हर एक बच्चे तक पहुंचाइएगा, ताकि हर एक बच्चा अवेयर हो सके बिहार की इस शिक्षा व्यवस्था से, और इससे ऊपर उठना हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये शिक्षा इस शिक्षा व्यवस्था से तो मतलब कुछ भी फ्यूचर नहीं होने वाला है, बिहार का और नीचे जाएगा। और एक मैं बात करता हूँ अब आप लोगों के करेक्शन की, ज्यादा बातें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मतलब पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर, राजनीति से बिल्कुल दूर, सारी व्यवस्थाएं जो है उसे पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, मेरे एक बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ हो सके तो आप लोग शेयर करिएगा, शायद किसी में कुछ ना कुछ 1% भी अगर चेंज आ जाए तो आप लोगों के लिए बहुत होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आप लोगों को करेक्शन कैसे कैसे करवाना है और आपको क्या क्या मेहनत करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अपने कॉलेज जाना है, जिस कॉलेज से आपको, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज में आपको जाना है, एक एप्लीकेशन लिखना है किसके नेम से, तो कंट्रोलर के नेम से आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। बच्चों किसके नेम से लिखना होगा, कंट्रोलर के नेम से आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा।
अब एप्लीकेशन कैसा लिखना होगा, बहुत बच्चों के तो रिक्वेस्ट ये आएंगे कमेंट्स में कि सर एप्लीकेशन लिखे कैसे, एप्लीकेशन भी लिखना। तो ठीक है, आप लोगों की हर मांग को पूरी की जाएगी। तो एप्लीकेशन जो आप लोगों को लिखना है बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना और छाप देना एप्लीकेशन को, ठीक है। देख के छपाई तो करनी है, बहुत अच्छे से आती होगी आप लोगों को, तो बस देखना है छाप देना। ये मत पूछना कि सर एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, बस एप्लीकेशन देखना, रखना और छाप देना। बस एक काम आप लोगों को करना कि नाम और रोल नंबर अपना लिखना, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नहीं कि जो उसमें दिया होगा वही छाप के चले आना, ठीक है। चल नेक्स्ट अब बात करते हैं वो एप्लीकेशन को करना क्या होगा। उस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या जो भी इंचार्ज होंगे, ऑफिस इंचार्ज, उनसे क्या करवाना होगा, फॉरवर्ड कराना होगा। वो फॉरवर्डेड कर देंगे एप्लीकेशन को, ठीक है। वहां से फॉरवर्डेड कराने के बाद, प्रिंसिपल के से फॉरवर्डेड कराने के बाद, आपके कॉलेज से आपको कहाँ जाना होगा, जिस सेंटर पे आपका एग्जाम हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ जाना है, कॉलेज, ठीक है। कौन से कॉलेज जाना है, तो अपने कॉलेज जाना है, ओन कॉलेज, ठीक है। चीजों को समझते रहिए, अपने कॉलेज जाना है आपको, कॉलेज से फिर कहाँ जाना है, जहां पे पार्ट टू का आपका क्या पढ़ा था, पार्ट वन हो या पार्ट टू हो, एग्जाम सेंटर था आपका, जिस सेंटर पे आपने अपना एग्जाम किया है, आप उस सेंटर पे जाओगे। वहां के जो सेंटर सुपरिंटेंडेंट होंगे, यानी सबसे पहले आपको वहां के प्रिंसिपल के पास जाना है, यहाँ जिस एग्जाम सेंटर पे आपने अपना एग्जाम दिया है, वहां प्रिंसिपल के पास जाके आपको अपना एप्लीकेशन दे देना है। वो आपके एप्लीकेशन पे जो भी लिखा होगा उसको पढ़ेंगे और आप एक साइन कर देंगे, ठीक है। साइन करके वो आपको जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वहां भेज देंगे। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में वो आपको क्या करेंगे, आपका अटेंडेंस शीट निकालेंगे, अटेंडेंस शीट निकाल के आपका कॉपी नंबर उसी एप्लीकेशन पे मेंशन करेंगे, और मेंशन करके वहां दो तीन लाइन वो लिखेंगे शुद्ध हिंदी में क्या लिखने वाले हैं, कि परीक्षार्थी उस तिथि पे उपस्थित थे, ठीक है, उनका कॉपी नंबर ये है, कृपया इनके रिजल्ट में करेक्शन किया जाए। वहां से उसके बाद फिर से वो क्या होगा, वो भी साइन कर देंगे जो भी एग्जामिनेशन इंचार्ज रहेंगे। उसके बाद वहां क्या होगा, स्टैम्प लग जाएगा कॉलेज का, सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन दे दिया जाएगा। फाइनली ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको कहाँ जाना है, तो आपको पहुंचना होगा कहाँ, अपने यूनिवर्सिटी यानी TMBU, अपने अपने यूनिवर्सिटी जाना है आपको, अपने अपने, क्या सारी बातें तो मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी आप लोगों को पहुंचना है। पहुंच के आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास जाना है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हो भी किसके नेम से लिखना है आपको, टू द एग्जामिनेशन कंट्रोलर TMBU भागलपुर यूनिवर्सिटी, ओके, या तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, जो वट एवर यू लाइक यू कैन राइट, ओके। तो आपको ये लिखना है और वहां कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी में आपको सिंपली कहाँ जाना है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास जाना है, वो एप्लीकेशन को दे देना है, वो साइन वाइन करके अगर वो रिसीविंग दे दे आपको तो ठीक है, उनसे एक रिसीविंग ले लीजिएगा। बट हाँ, एक चीज आपको याद रहे, क्या कि जब यहाँ पे आपका हो जाए काम, कहाँ पे, जब कॉलेज वाले जिस सेंटर पे आपका एग्जाम हुआ था, वो कॉलेज वाले जब स्टैम्प लगा दे और कॉपी नंबर लिख दे, तो आपको अपना कॉपी नंबर यानी उस पूरे एप्लीकेशन का एक यहाँ से जीरोक्स निकाल लेना है आपको। सबसे पहले क्या काम करना है, जीरोक्स निकाल लेना है, हो सकता है नहीं कि ये करे, उसके बाद क्योंकि आप लोगों के हाथ में भी क्या हो सके, थोड़ी ना थोड़ी पावर हो सके, RTI फाइल करो, अपना कॉपी निकलवाओ कॉपी नंबर से, और उसके बाद यूनिवर्सिटी पे भी बहुत सारे कार्रवाई आप लोग करवा सकते हो, क्योंकि कॉपी जब निकल जाएगा तो आप अपसेट इस तरह से डिक्लेयर किए गए, यूनिवर्सिटी को ये जवाब देना। पहले ये नहीं करना, पहले यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन कंट्रोलर को क्या करना है, एप्लीकेशन दे देना है, वहां से एक रिसीविंग जरूर ले लेना है, या इसी जीरोक्स पे आपको क्या बोलना है एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, कि सर इस पे रिसीव करा दीजिए कि मैंने अपने एप्लीकेशन को यहाँ सबमिट किया है, एक साइन आप जीरोक्स पे भी करके दीजिए मुझे, ताकि मैं भी संतुष्ट हो पाऊं कि हाँ इम्प्रूव मेरे पास भी आ जाए, हाँ मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया था, अगर उसके बाद भी मेरे साथ कोई मतलब करेक्शन नहीं होता है तो फिर आगे की कार्रवाई देखी जाएगी, और फिर भी अगर ना हो तो बच्चों कमेंट करके बताना, फिर आगे के प्रोसेस में बताऊंगा आप लोगों। वैसे उम्मीद है कि यहाँ पे जब आप लोग अपना अपना क्या करोगे, एप्लीकेशन सबमिट करोगे, तो जो TR बन के आता है कॉलेज में, उसमें आपका रिजल्ट क्या होगा, करेक्शन होके आ जाएगा। ऑलराइट, अब ये काम कितने जल्दी कराना है, तो बच्चों देखो अब टाइम बचानी है बिल्कुल भी, ठीक है। आज जब ये आपको वीडियो मिल रही है तो ये डेट हो गई है 20th of September, जो है फ्राइडे, ठीक है। अगर आप ये आज भी वीडियो देख रहे हो तो आज फटाक से कॉलेज जाओ, कॉलेज में सारा काम करवा लो, सैटरडे संडे मंडे को फटाफट जमा करा लो, DP से पहले आपको ये सारे काम करने होंगे। कब करना होगा, दुर्गा पूजा आने वाला है, ठीक है, उससे पहले पहले तक आप लोग जल्दी 2-3 दिन यानी नेक्स्ट वीक वेडनेसडे तक कोशिश करो, वेडनेसडे तक कि आप लोग ये सारे काम अपने अपने कर लो। उम्मीद करता हूँ कि मैं सारी डाउट्स को आपके क्लियर करने में
सफल रहा होगा, आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और आप लोगों के लिए सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो था, क्योंकि आपको कोई नहीं बताने वाला है सही रास्ता क्या है। ओके, तो यही है एक पर्टिकुलर रास्ता जिसके थ्रू आप लोग जाओगे तो आपके रिजल्ट्स में क्या हो पाएगी, करेक्शन हो पाएगी। फिर भी किन्हीं को कोई भी डाउट हो, कुछ भी थोड़ी सी भी डाउट हो, आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके पूछ लोगे, मैं सडनली इस चीज का रिप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक करो और शेयर करो ना ज्यादा से ज्यादा, जो कि मुझे भी अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। जो लोग इतने इतने सारे स्टूडेंट्स को अपने भाई बहन है यार, तो सब तक ये बातें पहुंचे, और क्या हो, जो जो इतने दूर दूर भटक रहे हैं क्या करना है नहीं करना, जिनको नहीं पता उनको भी क्या हो सके पता चल सके। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी आपके गवर्नमेंट आप पे ध्यान बिल्कुल नहीं देने वाली है, आपको अपनी ख्याल खुद रखनी है। ऑलराइट, यानी कोई भी आपके करियर का ध्यान नहीं रखना, करियर का ध्यान रखना होता तो आज आप प्रेजेंट थे एग्जामिनेशन में, आपको अब्सेंट नहीं किया जाता। इतने से आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। ऑलराइट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छी लगे तो शायद 1-2% कहीं भी चेंज आ जाए जिससे आप लोगों के काम आसानी से बन सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कोई डाउट हो, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। बाय।